तो तुमको रिलेशनशिप में धोखा देने के बाद अग्रिम जमानत चाहिए। लेकिन क्यों? हाँ चाहिए मुझे अग्रिम जमानत। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर केस क्यों करेगी? तुम्हारी पार्टनर तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना। प्यार करती है मुझसे, इसलिए तो मुझे डर लग रहा है कहीं दिव्या मुझ पे केस ना कर दे। तो तुम उसे छोड़ना क्यों चाहते हो? तुमने ही तो मुझे बताया था ना कि तुम 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे। अंगूरी जी, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं और मैं अपने घर वालों को मना नहीं कर सकता। चलाकी, होशियारी, धोखाधड़ी, कितनी खूबियों से भरे हो ना तुम दिवाकर। अरे एक शरीफ लड़की को 2 साल तक धोखे में रखकर उसका इस्तेमाल करके अब उसे छोड़ना चाहते हो? हाँ, और अब किसी और के साथ शादी करने चले तुम, चाहते क्या हो? गुरु जी मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं मजबूर हूं, मैं अपने घर वालों की बात नहीं टाल सकता। मसाले वाली चाय कब बनाना दीदी? बताती हूँ बेटा अभी। लो दिवाकर चाय। थैंक यू। अंगुरु जी मुझे एक बात बताइए, अगर दिव्या ने मुझ पे केस कर दिया। समझ गई, तुम यही कहना चाहते हो ना कि सजा कितनी होगी। हाँ अंगुरु जी, मैं यही जानना चाहता था। अच्छा आप मेरी अग्रिम जमानत तो करवा देंगे ना? दिवाकर सुनो, अग्रिम जमानत तो मैं करा दूंगी, और जमानत कराने का मेरा बाएं हाथ का खेल है। उससे पहले मैं कहानी का पूरा सार तो जान लूं कि आखिर एक प्रेमिका की कहानी है क्या। कहानी सुनाओ, वो भी बिना एडिट किए, समझे? वो बात ऐसी है अंगूरी जी, 2 साल पहले दिव्या मुझसे मिली थी। ये क्या दिव्या? दिवाकर आज तक मैंने तुम्हारी हर मांग पूरी की है, चाहे वो जायज हो या नाजायज, लेकिन मैं चाहती हूँ आज तुम इस सिंदूर से मेरी मांग पूरी करो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो भी बता दो तुम्हारी मांग। मांग बंद कमरे में नहीं भरी जाती है दिवाकर, तुम्हें मेरी मांग पूरे समाज के सामने, अपने माता पिता के सामने, पूरी फैमिली के सामने मुझे अपनाना होगा। और हाँ, तुम पिछले 2 साल से मुझे टालते ही तो आ रहे हो ना। दिव्या मैं कई दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाह रहा था, चलो आज मौका मिल ही गया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला दिवाकर, भूल गए वो दिन तुम जब तुम उससे हंस हंस के बात कर रहे थे? वो वही लड़की थी ना जिससे तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी शादी तय की है? हाँ वही लड़की है वो, और छत पे ही मैं उसी से बात कर रहा था। अरे तुम कौन सी दूध की धुली हो, और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुझे शादी करूंगा? अरे कितने लोग रहते हैं रिलेशनशिप में, सब लोग शादी करते हैं क्या? तो दिवाकर वो सब क्या था जो हम 2 साल से कर रहे थे? हाँ धोखा दिया है मैंने तुम्हें, बस ये सुनना चाहते हो तुम मुझसे? धोखा दिया है मैंने तुम्हें, बस जो करना है कर लेना। दिवाकर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हें आसानी से छोड़ देगी, समझ आई? और 2 साल से मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, तुम्हें अपना सब कुछ सौंपा, और तुम मुझे ये दिखा रहे हो? दिव्या ठाकुर नाम है मेरा दिवाकर, याद रखना, तुम्हें ऐसा नाश नचाऊंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। डरा रही हो मुझे? हाँ जो करना है कर लेना। तुम्हें ऐसे धोखाधड़ी के केस में फंसाऊंगी कि तुम खुद को कभी नहीं छुड़वा पाओगे, और देखती हूँ कैसे शादी करोगे उससे। हाँ जाओ। इसलिए मुझे डर लग रहा है अंगूरी जी, मैं कोर्ट कचहरी पुलिस थानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। समझ गई, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई। पॉली अब तक मसाले वाली चाय नहीं बनी क्या तेरी? हाँ दीदी बन रही है। देखो दिवाकर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दिव्या से शादी कर लो और अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता दो कि तुम दिव्या से कितना प्यार करते हो। अरे 2 साल तक जिसे तुमने पत्नी की तरह रखा, अब उसे छोड़ना चाहते हो? हाँ अरे 69 के तहत प्यार में धोखाधड़ी के केस में जेल चले जाओगे। अब 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो दिव्या से शादी कर लो और या फिर जेल जाओ। पॉली बहुत ही लाजवाब मसाले वाली चाय बनी है, ले लो दीदी फोन। इस फोन में तुम्हारा सब कुछ कैद हो गया है, तुम्हारा सारा बयान, और फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, या तो जेल या दिव्या से शादी। अरे ये क्या क्या गुरु जी आपने,
आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया? हाँ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, और अब फैसला तेरे हाथ में है। और जल्दी कर फैसला, या तो जेल या दिव्य से शादी। और तुझे ये बात नहीं पता कि दिव्य को भी मैंने यहीं बुला रखा है? क्या? हाँ, दिव्या, दिव्या बेटा, दिव्या? आओ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो दिव्या? अरे गुरु जी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्यों, चौंक गए? मैं जानती थी तुम खुद को सही साबित करने के लिए अंगूरी दीदी के पास जरूर आओगे। सुनो दिवाकर, अंगूरी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और इस कहानी में तुम गलत हो, ना कि दिव्या। और अंगूरी हमेशा साथ सच का देती है, याद रखना ये बात। अंगूरी किन्नर नाम है मेरा, ताली बजाती नहीं, बजवाती हूं मैं तुम जैसे लोगों से। मैं समझ गया अंगूरी दीदी, मुझे माफ कर दो। वो दिव्या, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। दिव्या, हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे, और जो भी हो, चाहे मेरे घर वाले कुछ भी कहे, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। मुझे माफ कर दो दिव्या। अब तो खुश हो ना दिव्या? हाँ दीदी। और रही बात इस वीडियो की, ये वीडियो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए थी, जिससे तुम्हें सबक मिले, समझे? चलो अब शादी की तैयारी करो। ठीक है गुरु जी, तैयारी करते हैं। चलें।